अकाउंट हिंदी और मैं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक ऐड कैंपेन के बारे में। मैं आज आपको फेसबुक ऐड कैंपेन एक लगा के दिखाऊंगा प्रॉपरली, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए कैंपेन लगाने से पहले और कैंपेन लगाने के बाद। और साथ ही साथ आपको बिलिंग सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि बिलिंग सेक्शन में आपको किस तरह बिलिंग करनी चाहिए और कैसे आप पैसे डाल सकते हैं बिलिंग सेक्शन में, क्या क्या रूल रेगुलेशन है एक ऐड लगाने के, और बिलिंग सेक्शन में आप किस तरह कार्ड के थ्रू पेटीएम के थ्रू किस तरह पैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आप सबसे बात करता हूं कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन करके घंटे को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो के ऊपर। अब ये मेरा फेसबुक का पेज है, तो फ्रेंड पहले तो आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर मेरी आईडी लॉगिन है। इसके बाद ये आप एरो देख रहे होंगे जो नीचे आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसके ऊपर क्लिक करना है अपने, और यहाँ पे मैनेजमेंट ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इसे एक अलग टैब में ओपन कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया इसे अलग टैब में, ये इस तरह आके खुल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये बहुत सारे डाउट है, इसके ऊपर क्लिक करके पहले तो आप बिलिंग सेक्शन के ऊपर जाइए, इससे भी यहाँ पे क्लिक करके आप अलग टैब में ओपन कर लीजिए। तो आप इसे ओपन कर लीजिए अलग टैब में, जैसे कि आप ओपन करेंगे अलग टैब में तो वो इतना शो करेगा। आप देख रहे होंगे मेरे अकाउंट में अभी 3311 रुपये पड़े हुए हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आप पेमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पेमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्मेट आप पेज आके खुल जाएगा जिसमें आपकी पेमेंट बताई जाएगी यहाँ पर, और साथ ही साथ आप यहाँ पर मनी ऐड कर सकते हैं कि पैसे ऐड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा यहाँ पे, जिसमें आपका पूरे का पूरा फॉर्मेट आएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मेरा मास्टर कार्ड ऐड हुआ पड़ा है। आप यहाँ पे फेसबुक कूपन लगा सकते हैं, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो और पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे वे यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे पेमेंट करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे अपना कार्ड ऐड करके यहाँ पे आपका सीवीसी डाल के और जितने पैसे आपने ऐड करने हैं वहाँ पे ऐड कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैसे ऐड किए हुए हैं, पहले तो आप पैसे ऐड कर लीजिए जितने की आपने ऐड लगाने हैं। अब तो मैं इसे काट लेता हूँ, आप समझ गए होंगे कि पैसे कैसे ऐड करने हैं बिलिंग सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं हम ऐड कैसे लगानी है। देखिए फ्रेंड मैं ऐड मैनेजर में दोबारा आ गया हूँ, मैंने वहाँ पे क्लिक कर लिया है ऐड मैनेजर के ऊपर। आप दोबारा क्लिक कर लीजिए यहाँ पे। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज यहाँ खुल जाएगा। जैसे कि आपके सामने एक पेज ये खुल गया है, मेरी एक ऐड चल रही है अभी राइट नाउ आप देख रहे हो। तो हम एक और नई ऐड क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करने के लिए आपको ये ग्रीन बटन दिख रहा होगा क्रिएट वाला, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पूरे का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा कि आप किस तरह की ऐड लगाना चाहते हो। अगर आप बीच के ऊपर ऐड लगाना चाहते हो, ट्रैफिक के ऊपर ऐड लगाना चाहते हो, एंगेजमेंट के ऊपर ऐड लगाना चाहते हो, आपकी कोई एप्लीकेशन आप उसे इंस्टॉल करना चाहते हो, आप वीडियो के ऊपर व्यू चाहते हो, आप लीड जेन चाहते हो, इसमें अलग अलग तरह की हर तरह की ऐड दी हुई है, आप कोई भी ऐड लगा सकते हैं। तो आज हम ट्रैफिक ऐड लगाएंगे। ट्रैफिक ऐड लगाने के लिए आप ट्रैफिक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और नीचे आप आएंगे तो इसे यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, आप सब कुछ ऑफ कर दीजिए। और ये देखिए ट्रैफिक लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंटिन्यू के ऊपर। आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं अपनी ऐड का, कोई भी नेम दे दीजिए आप जो देना चाहते हैं। यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आप नेम दे दीजिए आप जो देना चाहते हैं। तो मैं इसे ऐड वन करके एक नेम दे रहा हूँ, ऐड वन। तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहते हैं, ऐप के ऊपर ट्रैफिक चाहते हैं, मैसेंजर के ऊपर, जैसे कि मैसेंजर के आप मैसेज करते हैं उसके ऊपर ट्रैफिक चाहते हैं, या आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ट्रैफिक चाहते हैं कि आपको लोग आपके प्रोजेक्ट या फिर आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के लिए आपको कॉल करें, तो आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से। अब बात इसे पेज को थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए फ्रेंड अब बात करते हैं इसके बाद कस्टम ऑडियो। कस्टम ऑडियो जब यूज़ की जा सकती है अगर आपकी पुरानी ऐड बनी हुई है तो वहाँ पे आपने कस्टम ऑडियो यूज़ की है, तो नहीं तो आपको कस्टम ऑडियो यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप कस्टम ऑडियो ना यूज़ करें। यहाँ पे आप एरिया लिखें जिस एरिए की ऐड लगाना चाहते हैं, जैसे कि आप पूरे इंडिया को कवर करना चाहते हैं तो इंडिया लिखिए। एवरी वन में आप वो लिखिए पीपल हाउ आर लीव दिस लोकेशन, ये रखना है आपने, ध्यान रखिएगा। एज लिमिट आप अपने हिसाब से रख लीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं। लैंग्वेज आप यहाँ पे इंग्लिश रख सकते हैं, तो मैं हम इंग्लिश कर देता हूँ। हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक पे होगा, ये ऑटोमेटिक पे होता है कि सभी को वो ऐड दिखाई देगी, वो डेस्कटॉप पे हो, मोबाइल पे हो या फिर किसी भी चीज़ पे हो, उसे हर चीज़ पे ऐड दिखाई देगी। अगर आईफोन यूज़ करे वो तब भी ऐड देख सकता है। मैनुअली भी एडिट करके आप मैनुअली भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप कैसे ऐड दिखाना चाहते हैं, मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं या सारे मोबाइल पे ऐड चले या डेस्कटॉप भी बीच में हो, आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे भी आप अच्छी ऐड चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि रीच मेरी बहुत ज़्यादा है, क्लिक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो सारा शो कर रहा है।
अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम क्लिक के ऊपर दे रहे हैं, लिंक का क्लिक के ऊपर हम पैसे दे रहे हैं, हमारा 800 रुपये का बजट है पर डे का। अब आप इसे आके कीजिए, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। फ्रेंड एक यहाँ पे आगे फिर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐड 3 रख, हमने वहाँ पे ऐड 1 रखा था। अब यहाँ पे आप इसे यहाँ पे काट लीजिए थोड़ा पीछे वाले को इसके, और यहाँ पे आप एक नया नेम रख लीजिए ऐड 3, इसे आप काट लीजिए। काटने के बाद मैं यहाँ रखूँगा ऐड, वहाँ मैंने 1 रखा था, यहाँ मैं 2 रख रहा हूँ। तो आप नीचे आइए, ज़रा नीचे आइए फ्रेंड। आप यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम भी अटैच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अटैच करके आप वहाँ पे भी ऐड लगा सकते हैं। फेसबुक पेज तो आपका ऑलरेडी अटैच है, तो इंस्टाग्राम पे भी मर्च ऐड चल पड़ेगी आपकी। और यहाँ पे आप क्लोजर वीडियो एंड किसी कलेक्शन की ऐड लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे आपने जो भी फ़ोटो अपलोड करनी है वो फ़ोटो यहाँ से अपलोड कीजिए। यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ टेक्स्ट ऐसे ही लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐसे टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक डालना है तो लिंक डालिए, या अगर इवेंट का है, आपने इवेंट कोई बनाया तो इवेंट का लिंक डालिए, या फिर वेबसाइट का लिंक डालिए। फ्रेंड इसके बाद आप नीचे आइए, अब आप जो आप लिंक जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर आप कैसे चढ़ना चाहते हैं, कि वो डाउनलोडिंग लिंक है, आप कोई ऑफ़र दे रहे हैं, या फिर आपका कोई रिक्वेस्ट है, या आप चाहते हैं सी माई मेन्यू, या आप शॉप के ऊपर लेके जाने हैं जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई सी चीज़ पे साइनअप कराना चाहते हैं, तो आप उसका लिंक डाल सकते हैं वहाँ पर बड़ी आसानी से। तो ये आप कर लीजिए आपके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है। अब यहाँ पे एक नई ऑप्शन आई है लैंग्वेज, आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपको आप ऐड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऐड लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। आप लैंग्वेज के हिसाब से ऐड लगा सकते हैं, बड़ा ही सिंपल वे है। वैसे तो मैं कहूँगा कि आप इसे रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट हिंदी में दिखा रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं तो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में दिखा रहे हैं तो नॉर्मली इंडिया के ऊपर, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि पर्टिकुलर हमने किसी लैंग्वेज के ऊपर टारगेट करना है। एंड देन भी यहाँ पर आप कंटिन्यू कीजिए और आपकी ऐड स्टार्ट हो जाएगी। वो ऐड आपको किस तरह दिखेगी हम वो भी बात आपको दिखा देते हैं कि आपकी ऐड आपको किस तरह दिखेगी। देखिए फ्रेंड, जब भी आप ऐड लगा लेते हैं, तो मैं इसे काट देता हूँ और बैक चल जाता हूँ, मैं लीव दिस पेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब ऐड लगाने के बाद आपकी ऐड आपको किस तरह दिखाई देती है, हम आज आपको उस चीज़ पे लेके जाऊँगा। आपकी ऐड यहाँ पे इस तरह शो होएगी, जैसे कि मेरी ऐड आप देख रहे होंगे कि अभी चल रही है। ये एक लीड जैन की ऐड है जिसमें मुझे 25 रुपये की 11 लीड पड़ रही हैं, तो ये एक लीड जैन ऐड चल रही है यहाँ पे। तो आप इसी तरह एक अच्छी ऐड लगा सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट होगा। फ्रेंड अगर कोई इंक्वायरी या क्वेश्चन आपका, तो वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पर आप मेरे से बात कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर आने के लिए। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।